हेलो दोस्तों, आज बताएंगे आपको यूपी पुलिस की भर्ती के बारे में। जो अभी हाल ही में इसकी सूचना मिली है, तो इसकी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम बताएंगे आपको। जैसे कि सबसे बड़ा है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट पूछ रहे हैं बच्चे। तो इसकी अप्लाई करने की डेट अभी ऑफिशियली तो नहीं आई है, पर बता रहे हैं, जानकारी मिली है 15 जुलाई तक वैकेंसी आ जाएंगी ये यूपी पुलिस की। और उसमें पद की पद कुल पद लगभग 53,000 के आ सकते हैं। सबसे बड़ी भर्ती बता रहे हैं आज तक की, क्योंकि इसमें 53,000 आए हैं पहली बार। इससे पहले शायद 41,000 पद आए थे। और इसमें एसआई के 9,000 प्लस पद आ सकते हैं, क्योंकि 9,000 प्लस आएंगे, पक्का आएंगे इसके। और ये भर्ती जल्दी ही आएगी। और इसकी योग्यता के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में अभी बताएंगे आपको। इसकी योग्यता के बारे में बताएं तो वैसे तो इसमें ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते हैं, पर इसमें 12th पास होना ज़रूरी है। इसमें 12th पास होना ज़रूरी है। और योग्यता तो ये हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल सी भी जुड़ सकती है और पेट भी, पर कही नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं। इसलिए इसकी एज के बारे में बताएं, एज आयु तो वो रहेगी पहले की बराबर शायद, तो 18 तो रहेगी 18 से ऊपर तो 24 तक शायद। कोरोना की वजह से इसमें कुछ एज के बारे में सोच भी सकते हैं, अधिकारी बढ़ा भी सकते हैं कोरोना में, क्योंकि बच्चों की एज हो चुकी थी। शाम में 18 प्लस होगी एज, इतनी 18 से 24। और फिजिकल के बारे में अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए वो नोटिफिकेशन में कुछ आएगा तो नोटिफिकेशन में आएगा। इसके लिए अभी फिजिकल में जैसे तो रेस 5 किलोमीटर की होती है। इस साल भी रहेगी 5 किलोमीटर लगभग, बताएं आपको। और इसकी तैयारी के बारे में बताएं आपको, तो तैयारी कैसे करेंगे अभी बताएंगे आले हम। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस में सबसे पहले हिंदी आएगी, मैथ आएगा, और रीजनिंग आएगी, और सामान्य ज्ञान, और यूपी के स्पेशल जीके पढ़ लेना, यूपी यूपी ये तो मेन हमारे सब्जेक्ट हैं, ये तो पढ़ने पढ़ने हैं। तो हिंदी की तैयारी कैसे करें और इस सब्जेक्ट मतलब यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, सबसे बेहतरीन उपाय बताएंगे आपको। तो मैथ की बुक कोई सी भी ले लेना, राकेश यादव या कोई सी भी बढ़िया लगे, और इसे भी रीजनिंग की बुक ले लेना, और हिंदी की और जीके की एक बुक आती है RAA की, रोजगार विज्ञांकित, नवीन सर द्वारा आई है एक बुक, उसको ले लेना, नवीन सर की हिंदी की और सामान्य ज्ञान, बहुत टॉप की बुक है, बेहतरीन, उससे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जैसे किस बच्चों ने पूछा था कि जैसे कि तैयारी मतलब नया बच्चा कितने दिनों में कर सकता है, तो बताएं नए बच्चे के लिए तैयारी करने के लिए लगभग 6 से 8 महीने होने चाहिए तैयारी करने के लिए। तो एक रोजगार विज्ञांकित पे एक बैच आ रहा है यूपी पुलिस मतलब खाकी नाम से, या यूपी पुलिस 2.0 के नाम से, तो कोई बच्चा पढ़ने वाला होगा तो उस बैच के जरिए आसानी से 6 महीने में मतलब जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर तक पेपर होगा शायद, जब तक तैयारी बहुत आसानी से बढ़िया तरह से कर सकता है। बंद करें। तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने का सबसे पहले हमारे पास बुक होनी चाहिए, तैयारी करने से पहले हमारे पास बुक होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट मैंने अभी बताई थी, किसकी बुक लेनी है।
और दूसरा नंबर, किसी ने बैच फट लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो नया तैयारी करने की सोच रहा है वो सबसे पहले बुक ले, उसके बाद कोई एक किसी का भी बैच ले सकता है। जैसे कि मैं बताऊँ तो रोज़गार सही रहेगा, रोज़गार विद अंकित 2.0 बैच आ रहा है और पुराना भी चल रहा है, उसे भी ले सकते हैं, तो सबसे सही लगा है मुझे। और आपकी मर्ज़ी, कोई सा भी ले सकते हैं आप। और 8 दिन में या 5 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लाओ डेली, तो आसानी और मन लगा के पढ़ाई करो तो सिलेक्शन हो जाएगी। एक गोल्डन चांस है, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती आई है अब 53,000। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है शॉर्ट्स वाई SSC लवर, स्पेस नहीं देना है। तो ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।